Hello everyone, in this video lecture we are going to study about neutron. We know that neutron is a subatomic particle of an atom. An atom consists of proton, neutron and electron. Suppose this is a atom and a point inside the atom where whole positive charge lie, that is known as the nucleus. And in nucleus there are protons and neutrons. Protons having positive charge, neutrons has no charge on it, and the mass of proton and neutrons are equal. And another subatomic particle of an atom, that is electrons, revolves around the nucleus in a circular orbit. जैसा कि हम जानते हैं, एटम जो है उसका एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं, मींस उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. और जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इक्वल होता है. फिर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं इन एन सर्कुलर ऑर्बिट. सो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि न्यूट्रॉन जो है उनकी कैसे डिस्कवरी हुई. तो जो न्यूट्रॉन जो है हमारे पास, इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस एंड हैज़ नो चार्ज, दैट इज इट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल. एंड द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन टू द जेम्स चैडविक इन द ईयर 1932. जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी इन द ईयर ऑफ 1932. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वो इस तरह से चैडविक ने उसको अरेंज किया. पोलोनियम ऑन अ सिल्वर प्लेट, और जो ये पोलोनियम है यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है एमिट हो गए. इसके पैरेलल उसने एक बेरिलियम मेटल प्लेस कर दी, फिर साथ में आगे पैराफिन ब्लॉक. ही अलाउ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम पोलोनियम टू स्ट्राइक द बेरिलियम मेटल एंड पेनिट्रेटिंग रेज, दैट इज न्यूट्रॉन्स अमर्जिंग फ्रॉम दिस बेरिलियम मेटल वर परमिटेड टू ऑन अ ब्लॉक ऑफ पैराफिन फ्रॉम विच द प्रोटोन वर फॉर्म टू बी कम्स आउट विद हाई स्पीड्स. फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, चैडविक शोज दैट पेनिट्रेटिंग रेज अमर्जिंग फ्रॉम दिस बेरिलियम मेटल्स वर न्यूट्रल पार्टिकल्स, मीन्स दे हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज विद मास नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटोन्स. ही शोज दैट दीज पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस are not composed of photon because the alpha particle present in these radiation were having much lesser energy. He named these neutral particle as neutrons. James Chadwick ने alpha particle जो कि हमारे पास polonium से निकल रहे थे उनको उसने कहाँ पर beryllium metal के ऊपर strike किया, मतलब उसके ऊपर उनकी बम्बार्डमेंट की. और उससे क्या हुआ, जो बेरिलियम मेटल है वहाँ से पेनिट्रेटिंग रेज निकली, और जो ये पेनिट्रेटिंग रेज हुआ जब पैराफिन ब्लॉक के ऊपर पड़ती हैं तो क्या होता है, पैराफिन ब्लॉक से प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं. फिर उसके बाद उसने स्टडी किया, जो ये पेनिट्रेटिंग रेज जो एमिट हो रही थी फ्रॉम बेरिलियम मेटल, उनके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं था, बट उनका मास जो था वो कंपेरेटिवली इक्वल टू द प्रोटोन के बराबर था. और जो ये पेनिट्रेटिंग रे थी, चैडविक ने उनको न्यूट्रॉन्स का नाम दे दिया. और जो डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस हो रही थी बेरिलियम मेटल में, उसके लिए जो रिएक्शन है हमारे पास ये हो जाएगी, द डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस इन बेरिलियम मेटल एज फॉलोज, हीलियम प्लस बेरिलियम दिस गिव्स कार्बन प्लस वन न्यूट्रॉन.
और जो ये रिएक्शन है उसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल जब प्लस बेरिलियम कार्बन बन जाएगा और साथ में एक न्यूट्रॉन एमिट हो जाएगा।